हाँ रेड या सिल्वर, या रेड के ऊपर रेड पहनूं तो बिल्कुल लाल परी लगूंगी, तो सिल्वर। हाँ वाव, ये तो कितना प्यारा लग रहा है। प्रगति, तू आज की पार्टी में जाएगी ना? कैसी पार्टी? हमारे पैलेस के प्रिंस ने पार्टी होस्ट की है ताकि वो अपने मैच को ढूंढ सके। शहर की सारी लड़कियाँ आने वाली हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मेरा आना तो पक्का है। मम्मा, क्या मैं पार्टी में जा सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। पर क्यों मम्मा, सारी गर्ल्स जा रही हैं। नहीं, सिर्फ तुम्हारी बहन जा सकती है। प्लीज मम्मा, आप जो कहोगे मैं वो करने को रेडी हूँ। ठीक है, तो फिर अपना ये सिल्वर क्राउन अपनी बहन को दे दो, तभी मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ। हाँ, मम्मी ने बिल्कुल सही कहा, ये मुझे दे दो। मैम, पैलेस में सिर्फ वही आ सकता है जिसके पास सिल्वर क्राउन होगा। हाँ, मेरे पास है वो सिल्वर क्राउन। नहीं, क्राउन मेरा है। नहीं, ये मेरा है। इस क्राउन का ओरिजिनल ओनर कौन है, प्लीज बताइए। मैंने बोला नहीं, क्राउन मेरा ही है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मेरा क्राउन नहीं है। इस बात की तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? प्रूफ? मैं प्रूफ दे सकती हूँ, क्राउन मेरे सर पे है, इसका मतलब ओनर भी मैं ही हूँ। नहीं, ये झूठ बोल रही है, ये क्राउन इसने मुझसे मांगा था इस इवेंट में आने के लिए। अब आपकी मम्मी बता सकती है कौन सच बोल रहा है। हाँ मम्मी तो सच ही बोलेंगी। ऑफ कोर्स, ये क्राउन इसकी बहन का है, प्रगति को जेलस फील करने की आदत है। मम्मा, आपने झूठ क्यों बोला? बकवास बंद कर और अपनी बहन के सामने दिखना भी मत। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है मैं अपनी रियल सोलमेट को ढूंढने आया हूं। मैं हूं आपकी सोलमेट। इस सिल्वर क्राउन को ट्राई करिए, पहले कौन जाएगा? मैं ट्राई करूंगी पहले। श्योर? हाँ, वैसे तो तेरी औकात भी नहीं है कि तू इस क्राउन को छू भी सके, चल तू ही कर ले पहले। हाँ, ये मुझे फिट क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब तुम मेरे राजकुमार की प्रिंसेस नहीं हो, अब तुम्हारी बहन ट्राई करेगी इसे। देखा तुमने, ये कितना परफेक्टली फिट हो गया मेरे पे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्राउन तो मेरा था। मम्मा देखो ना, फाइनली मैं प्रिंसेस बन ही गई। अब मैं देख तुझे क्या करती हूँ, मैं तुझे अपना नौकरानी बना के रखूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पर आप कौन है? मैं महल में काम करती हूँ, मैंने तुम्हारी माँ को असली क्राउन को नकली क्राउन से बदलते हुए देखा था, इसीलिए तुम्हें वो क्राउन उस समय नहीं फिट आया था। क्या? हाँ, वो क्राउन उन्होंने पुराने गोदाम में फेंका था, तुम्हें जल्दी उसे ढूंढना होगा। ओके, थैंक यू सो मच मुझे ये सब बताने के लिए। हाँ, फाइनली मुझे क्राउन मिल गया, मुझे जल्दी से पैलेस जाना होगा। तो जैसा कि आपको पता है आज प्रिंस और प्रिंसेस की शादी है। तुम कौन हो? प्रगति, तू यहाँ क्या कर रही है? प्रिंस की असली सोलमेट ये नहीं, मैं हूँ। आप सब इसकी बातों में मत आइए, ये पागल खाने से आई है, इसे ऐसी बहकी बहकी करने की आदत है, प्लीज इस पर ध्यान मत दीजिए और कंटिन्यू करिए शादी। ये मेरी सौतेली माँ है और इन्होंने रियल क्राउन को फेक वाले क्राउन से एक्सचेंज कर दिया था। सहनी को इसे बाहर निकाल, फेंको, हटो, छोड़ दो उसे। प्रिंस आप, क्या आपके पास वो रियल क्राउन है? हाँ, ये रहा वो क्राउन। सॉरी, मेरा रियल क्राउन टूट गया। कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर देता हूँ, ये लीजिए आपका क्राउन। थैंक यू सो मच। अब इस क्राउन को पहन के देखो। फाइनली मुझे मेरी सोलमेट मिल गई और हमारी प्रिंसेस भी। सैनी को इन दोनों माँ बेटी को काल कोठरी में बंद कर दो 100 साल के लिए। जरा सी भी इंटरेस्टिंग लगी होगी स्टोरी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो।